अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश है और मजे में है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखें जनाब क्या बन रहा है, सर्दियां आना शुरू हो गई है ना, और ये उसी हिसाब से अब खाने आपको मेरे चैनल पे नजर आएंगे। और आप सबके लिए ये रेसिपी एक गिफ्ट है, अगर आप टिक्के बनाने जाएं या घर पे बनाएं मेरी तरह, तो ये रेसिपी फॉलो करें, मजा आ जाएगा आपको। तो इसको स्टार्ट करते हैं। चिकन मैंने कट कर लिया था, बोन्स वाला चिकन भी इस रेसिपी के लिए ले सकते हैं। तो मैं ना ये डाल रही हूँ मेयोनीज, और पिछली वाली बॉटल में थोड़ी सी थी पहले, वो ऐड कर लिया और अब ये फ्रेश बॉटल ओपन कर लिए। इसके अलावा इसमें ना योगर्ट जाएगा थिक वाला, अगर आपके पास बहुत पतला वाला योगर्ट है तो थोड़ी देर कपड़े में डाल के या छलनी में रख के ना उसको, तो उसका पानी रिमूव कर दें और फिर योगर्ट डालें। जिंजर गार्लिक पेस्ट गया इसके अंदर और ऑयल गया, जो भी कुकिंग ऑयल है वो आप ऐड कर लें। साथ में इसमें जाएगा नमक। इंग्रेडिएंट सारे वो जो घर पे अवेलेबल है, और क्या कमाल का टेस्ट और टेक्सचर आएगा। लाल मिर्च डालिए या आप अपनी मर्जी से डालेंगे। उसके अलावा इसमें जा रहा है जी ये गरम मसाला और ये जीरा पाउडर। मैंने 1 किलो चिकन लिया है उसके लिए मैं ये कर रही हूँ। साथ में ये सिनेमन पाउडर, जो दालचीनी का पाउडर होता है ना, ये बहुत जरूरी है इस रेसिपी में। कोई भी इंग्रेडिएंट मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि ऑप्शनल है, ठीक है, सारे जरूर डालने हैं। और ये पेपरिका पाउडर है, हाँ ये नहीं है तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आप डाल सकते हैं। लास्ट में इसमें चाट मसाला डाला है और ये आमचूर का पाउडर है और ये फूड कलर, ये भी बहुत जरूरी है, इसको बहुत अच्छा कलर देगा। रेड कलर का फूड कलर मैं डाल रही हूँ और साथ में लेमन जूस डालें, अगर फ्रेश है तो वो प्रेफर करें। इसको डाल के बस हम मिक्स कर लेंगे। और अगर आपने ये टिक्के ग्रिल पे बनाने हैं ना, फिर आपने ये सारा का सारा मैरिनेट जो है ना 1 kg चिकन पे लगा देना है। लेकिन मेरी तरह अगर आप पैन में बना रहे हैं तो फिर आप थोड़ा सा बचा भी सकते हैं। मैंने ऐसे समझ लें कि 3/4 जो है ना उसमें डाल लिया था, थोड़ा सा मैंने बचा लिया था। उसकी वजह यह कि पैन में जब आप बनाते हैं ना टिक्के, तो पैन में भी मसाला लग जाता है तो काफी सारा वेस्ट होता है, तो फिर मैं इतना ज्यादा क्यों डालूं। ग्रिल पे आप बनाते हैं ना तो फिर बहुत अच्छे से सारा का सारा मसाला लगा रहता है। अच्छा, इसको मिक्स करके मैं फ्रिज में रख दूंगी, और ये एक दिन पहले की वीडियो है, बस नेक्स्ट डे हम इसको इंशाल्लाह बनाएंगे, वो भी मैं आपसे इसी वीडियो में शेयर करूंगी। एवोकाडोस भी आ गए थे, इनको भी जल्दी से पेपर में रैप कर दूंगी, 2 दिनों में इंशाल्लाह ये भी राइप हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, आप में से बहुत लोगों के मशवरे आए हैं इस बारे में कि मुझे ये शीट्स यहाँ यूज करनी चाहिए या नहीं, और 50-50 था। कुछ लोग कह रहे थे अपना शौक पूरा करें और कुछ लोग कह रहे थे कि दूसरे घर में जाके यूज करें। तो थैंक यू सो मच, आप सबके मशवरे जो हैं वो मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और बहुत मुझे अच्छा लगता है कि आपने मुझे रिस्पॉन्स दिया। लेकिन ये है कि जिन्होंने कहा था कि आप लगाएं शौक पूरा करें, जीत हुई उनकी और मैं ये लगाने लगी हूँ। तो लेकिन मैं पता क्या करूंगी, मैं सिर्फ इस साइड पे लगाऊंगी जहां पे चूल्हा है ना, दूसरी साइड पे मैं नहीं लगा रही क्योंकि उधर मेरा ज्यादा काम नहीं होता। सो इसको अगर हम डेकोरेट कर लेंगे तो ये कितनी प्यारी लगेगी, है ना। तो चलो इसको कर लेते हैं। दीवारें वैसे मैंने क्लीन की होती हैं, लेकिन इनके ऊपर ना मैं अल्कोहल स्प्रे करूंगी, 70% अल्कोहल, और फिर टिश्यू से क्लीन करूंगी तो कोई भी थोड़ी बहुत ग्रीस होगी वो खत्म हो जाएगी, फिर ये वॉलपेपर जो है ना इसकी स्टिकिंग खराब नहीं होगी। और आप सबके बहुत अच्छे मशवरे थे, सबने दिल से दिए थे, थैंक यू सो मच। लेकिन जैसे मेरा माइंड 50-50 था ना, उसी तरह आपके मशवरे भी 50-50 थे। कोई कह रहा था लगा लें शौक पूरा करें, कोई कह रहा था ना लगाएं वेस्ट हो जाएंगी, दोनों ओपिनियंस बिल्कुल ठीक थे। लेकिन एक मशवरे ने, एक कॉमेंट ने ना मुझे डिसाइड करने में जरा मेरी ज्यादा अच्छे से हेल्प हो गई। वो ये कि उन्होंने बोला कि आप किसी और जगह पे जाएंगी तो उस किचन में अगर ये वाली शीट सूट ना करती हुई तब भी तो आपकी वेस्ट ही होंगी, तो बेहतर है जिस किचन के लिए लिए हैं उसमें लगा लें ताकि आपका शौक पूरा हो जाए। तो फिर मुझे ये बात सही लगी कि हाँ वाकई अगर पड़ी रही तो फिर बस ये पड़ी ही रहेंगी मेरे पास, तो मुझे दुखी होता रहेगा कि मैं उसमें लगा ही लेती। सो मैंने सोचा कि मैं लगा लेती हूँ। मिशारी के आने में थोड़ा ही टाइम था तो मैंने सोचा कि मैं कुकिंग नहीं करती, मैं ना ये लगा लेती हूँ। आजकल कुकिंग मेरी थोड़ा सा लेट हो गई हुई है, वो क्यों हुई है और किस टाइम पे होती है वो भी मैं इंशाल्लाह वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। ये ना यहाँ पे फ्लावर्स लगे हुए हैं, टाइल में ना ऐसे टेक्सचर बना हुआ है जिसकी वजह से ये ना अनइवन से हो जाते यहाँ से, लेकिन चले कोई नहीं। ये घर मुझे बहुत पसंद है और मेरा बिल्कुल भी प्लान नहीं था इसको छोड़ के जाने का, लेकिन दिल बहुत उदास सा भी है अभी से, हालांकि अभी इतना टाइम पड़ा हुआ है, लेकिन ना ये सोच के मैं इस घर से मूव कर जाऊंगी इंशाल्लाह, अल्लाह ताला कुछ बेहतरी करेंगे। यहाँ पे भी हम इस्तखारा करके ही आए थे तो यकीनन हमारे लिए कुछ उससे बहुत बेहतर है। एक साल हमने इस घर को इंजॉय किया, अभी दूसरा साल इंजॉय करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह इससे भी बेहतर कोई हमारा इंतजाम करेंगे अल्लाह ताला इंशाल्लाह। ये डन हो गया, बस क्लीन कर लूंगी इसको ताकि मिशारी आए तो फिर देखूं कि उसको कैसा लगता है।
Open your eyes and come in. Oh my gosh! Oh my gosh! Cream and cream. You're happy? Yes, cream and cream. Kisses. टिक्कों के साथ खाने के लिए मैं एक ब्रेड बनाने लगी हूँ जो कि बिल्कुल नान जैसी होती है, नान से अच्छा फ्लेवर होता है और इजीली बन जाती है। तो मैंने मैदा लिया हुआ है, उसमें मैंने डाला दही और साथ में नमक और ये बेकिंग पाउडर। इसके बाद हम इसमें पानी डाल के ना गूंद लेंगे। आप बेशक इसको अपनी मर्जी जैसे भी आटा गूंदते हैं ना, आपने उसी मतलब कंसिस्टेंसी में से गूंद देना है। और मेरे से मिस्टेकनली पानी ज्यादा डाल गया, ये हाल देखे मेरा। लेकिन खैर, मैदे का ना ये फायदा होता है कि मैदे पे से ना एक्स्ट्रा आटा जब खुशका लगाना पड़ता है ना पकाते हुए, तो वो उतर जाता है। अच्छी तरह मैंने इसको नीट कर लिया और ऑयल लगा के इसको कवर करके रख देंगे आधे घंटे के लिए। इसी कपड़े से मैं इसे कवर कर दूंगी। आधे घंटे के बाद इसको हमने निकाल लेना है और इसके 10 पेड़े हमने बना लेने हैं। 10 जो इसके पेड़े हैं ना वो सही रहेगा साइज। अगर आप 12 या 14 पेड़े बनाएंगे ना तो फिर ये ब्रेड बहुत छोटे साइज की बनेगी। इस ब्रेड का साइज जो है ना वो एक डिस्क जितना होगा, पूरी रोटी जितनी नहीं होगी। पेड़े बना के भी मैं इसके ऊपर कपड़े से कवर कर लूंगी ताकि ड्राई ना हो जाए, और साथ साथ फिर हम इसकी बेकिंग शुरू करेंगे तवे के ऊपर। इसको हमने जो बेलना है ना, बारीक रोटी की तरह नहीं बेलना, इसको ऐसे कह लें कि 1/2 सेंटीमीटर की थिकनेस होनी चाहिए, क्योंकि ये ब्रेड ना थिक थिक सी अच्छी लगती है। आगे आपकी चॉइस है कि आपने इसे किस साइज में रखना है। इसके ऊपर जब अच्छी तरह बबल्स नजर आने लग जाएंगे ना, तब आपने इसको फ्लिप करना है कि बबल्स बेकिंग पाउडर की वजह से है। इसको फ्लिप करने के बाद जो इसके ऊपर मैदा लगा हुआ है उसको मैं झाड़ दूंगी, तवे से भी हटा दूंगी। इसको मैं ज्यादा मैदा डाल के भी गूंद सकती थी, लेकिन उस तरह फिर योगर्ट का और बेकिंग पाउडर का रेशियो खराब हो जाना था और फिर हमें हमारी मर्जी का रिजल्ट नहीं मिलना था। सो इट्स ओके अगर ये थोड़ा सा आटा जो है वो पतला बन गया था, एटलीस्ट मैनेज हो रहा था। ये ब्रेड्स की खास बात ये होती है कि हर हर ब्रेड जो है ना वो फूल जाती है और बहुत मजे की बेकिंग की खुशबू आपके पूरे किचन में इस वक्त आएगी, जैसे ताजी ताजे नान या रोटियां नहीं बेक हो रही होती हैं बेकरी में, वो वाली खुशबू आ रही होगी। अभी ना आए, आ जाए। रिएक्शन तो दे, हाँ कितनी एक्टिंग कर रहे हैं। बाकी इनको कोई नहीं पता था कि मैंने शीट लगाई है। आपने देखी थी जब दोपहर में छोड़ने आए हैं मिशी को, तो भी इतना नॉर्मल कैसे थे आप? मैंने सोचा क्या रिएक्शन आएगा, हैरान परेशान रह जाए। अच्छा ये है ना, हाँ। और अगर ये ब्लू होती तो ये और प्यारी लगती है ना, लुक ही चेंज हो जाती टोटली। चले आप चेंज करें फिर मैं ना खाना शाना करती हूँ। दिल ही तोड़ दिया इन्होंने। मैंने कहा पता नहीं क्या ह्यूज रिएक्शन आएगा। नहीं यार वो मैं नीचे देख रहा था कारपेट पे कुछ है, फिर मैंने देखा चूल्हे में कुछ खाने की चीज होगी, हो सकती। तो आपको पीछे वो लाइंस पड़ी नजर नहीं आई दिमाग में? दिमाग वैसे ही ब्लैक एंड व्हाइट मेरा हुआ, खाने की हो सकता है कोई चीज रखी हो, तो फिर अचानक मैंने देखा कुछ डिफरेंट फील हो रहा है, तो वो दीवार में मैंने देखा। ओ अच्छा, ये हुआ है जनाब। चले आप चेंज कर ले फिर, बहुत प्यारा लग रहा है। थैंक यू। तिहामी को भी बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन उसका रिएक्शन रिकॉर्ड करना भूल गई। उस टाइम पे मैं वो मैदा वगैरह गूंद रही थी, तो बिल्कुल मेरे माइंड से स्लिप हुआ हुआ था। जल्दी थी मुझे काम की, तो खैर कोई बात नहीं। अब ये जो टिक्के हैं उनको हम पका लेंगे दोनों साइड से, और उतनी देर में टाइम को यूज करते हुए मैं बना लूंगी सैलड, जिसको मैं बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। और मुझे वेजिटेबल्स बहुत अच्छी लगती हैं और इसी वजह से ना बच्चे भी खाते हैं। शहजाद जो है ना उनको मैं जबरदस्ती देती हूँ तो वो खाते हैं, वरना उनको शौक नहीं है। इसमें मैंने क्यूकम्बर्स, कैरेट्स और ये डाल दी है, क्या कहते हैं, कैबेज। टमाटर मेरे पास थे नहीं तो वो भी डाल देती। साथ में इसमें हम डाल देंगे लेमन जूस, और ये पुदीना पाउडर जो है ना वो मैंने मंगवाया था, और ये बड़ा अच्छा मैंने काम किया है, क्योंकि पुदीना ना होना तो आप पाउडर यूज कर सकते हैं और बड़ी अच्छी खुशबू आती है। साथ में इसमें ये सुमक डाल रही हूँ मैं, ये अरेबियन स्पाइस होती है, और नमक और काली मिर्च डाल दी है, और ये रेडी हो गया हमारा सैलेड। ये बिल्कुल ड्राई ड्राई सा है, इसमें बिल्कुल भी लिक्विड नहीं है, बस थोड़ा सा मैंने ऑयल इसके ऊपर लेमन ड्रिजल किया था। और ये देखें कितनी अच्छी माशाल्लाह से लुक आई है टिक्कों की,
और टेस्ट तो लुक से भी ज्यादा अच्छा है। आपको ये ट्राई करना पड़ेगा, तभी आपको अंदाजा होगा कि क्या टेस्ट बनेगा। जो ब्रेड्स थी ना, उनको मैंने, वो ठंडी हो गई थी शहजाद के आने तक ना, तो माइक्रोवेव में उनको मैं हीट कर लूंगी, और साथ में ये बटर जो है ना मेल्ट करके एक में मैंने पार्सले डाल दिया। आप फ्रेश धनिया डालें ज्यादा अच्छी बात है, मेरे पास था नहीं। दूसरे में मैंने सुमक डाल दिया, और अब इसको हम ना ब्रेड्स के ऊपर लगा देंगे। थोड़ा सा मुझे लग रहा था पार्सले और ये सुमक कम है, मैंने थोड़ा और ऐड कर दिया। अब आ रहा है ठंडा ठंडा मौसम और हमारे पास टेंट भी है, लेकिन खैर वो हमारे लिए फंक्शनल नहीं है, वो स्टोरी है पिछले साल की, तो कभी फिर बताऊंगी। जिन्होंने वीडियो देखी है उनको तो आइडिया है। इंशाल्लाह एक नया टेंट लेना है, और हम लोगों का इस बार ना कैंपिंग का बहुत ज्यादा प्रोग्राम है। ये सारे खाने जो है हम अपना तवा और इस तरह की चीजें लेके जा सकते हैं, और हम सारा वहां पे बना सकते हैं, तो ये मेरा इरादा बन रहा है। तो इंशाल्लाह मैं आपसे वो भी शेयर करूंगी बहुत जल्द। बच्चों के पेपर होने वाले तिहामी के, मिशी के तो नहीं है, इंशाल्लाह 5 दिसंबर से 9 दिसंबर तक, तो उसके बाद से ही हमारी ना आउटिंग और एंटरटेनमेंट स्टार्ट होगी इंशाल्लाह। तो ये है जी टिक्के। आ रहा है मुंह में पानी कि नहीं आ रहा? इतने माशाल्लाह मजे के बने थे, और टेस्ट और कलर जो है, टेस्ट तो खैर आप नहीं कह सकते, कलर जो है वो आपको नजर आ रहा है। और ये है जी हमारी ब्रेड्स, बहुत मजे की, बहुत टेस्टी और बहुत सॉफ्ट। बेबी क्या मजा कराया आपने यार, कसम से सर्दियों से पहले ही जो है ना सर्दी वाला माहौल आपने तैयार कर दिया है। इसी चलाए तो मुझे, सॉरी मुझे फील हो रहा है सर्दी आ गई और बाकी उसका मौसम है। मुझे टेस्ट है ना वो चिकन भी इतना सॉफ्ट है। थैंक यू मेरी जान, वेरी टेस्ट अमेजिंग। थैंक यू। एसी चलाए तो मुझे, सॉरी मुझे फील हो रहा है सर्दी आ गई और बाकी उसका मौसम है। मुझे टेस्ट है ना वो चिकन भी इतना सॉफ्ट है। थैंक यू मेरी जान, वेरी टेस्ट अमेजिंग। थैंक यू। सुपर। थैंक यू। प्लीज घर पे बनाए और एक ही बारी में खा जाएं। हाँ ज्यादा बनाएं, ज्यादा ताकि सारे एंजॉय कर सकें। मजे की रेसिपी है ना, कि ये जो है ना फिर सारे तरसते रह जाएंगे कि मजा, पेट भी नहीं भरा और नियत भी नहीं भरी। ज्यादा बनाएं, ज्यादा खाएं। सही बता रहा हूँ आपको, वाकई इतना बना कि जितना ज्यादा उतना खाता रहता है। मिशु आप सबके लिए लेके आए, बस 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 मिशु कैमरा गिर जाएगा। मिशु सबके लिए लेके आया है। थैंक यू मिशु, यू आर नाइस किड, यू नो दैट, प्लीज शेयर विद एवरीवन। फाइनली अब मैं खाना खा सकती हूँ। जब शहजाद रिव्यूज दे रहे थे तो मैंने खाना शुरू नहीं किया था, क्योंकि मैंने आपसे अपनी प्लेट की पिक्चर भी शेयर करनी होती है वीडियो, तो ये थी मेरी प्लेट। और बस अब मैंने अटैक कर दिया क्योंकि बहुत सख्त भूख लग रही थी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आप भी ये जरूर ट्राई करें। और हाँ, इसमें आप कोयले का स्मोक भी दे सकते हैं अगर आप ग्रिल पे नहीं बना रहे हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह की बहुत जबरदस्त सी रेसिपी होगी। दो में याद रखें, अपना ख्याल रखें, और हाँ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको किचन का लुक भी दिखाऊंगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।